गुड मॉर्निंग डियर्स, 5 मिनट केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। और आज हम फिजिकल केमिस्ट्री के दो कंसेप्ट की बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट की और सुपर हीटिंग की। तो सबसे पहले आइए देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? कोई बहुत नई चीज नहीं है, पर खास है। आप देखिए, द टेम्परेचर बियॉन्ड विच अ लिक्विड चेंजेस टू वेपर फॉर्म ऑन हीटिंग एट अ गिवन एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट दैट प्रेशर। क्या क्या? आपके पास कोई लिक्विड है, आप गर्म कीजिए, गर्म होगा, गर्म करते जाइए, वो गर्म होता जाएगा, लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा आएगा अगर और हीट देंगे अब वो गर्म नहीं होगा, उल्टे उसमें बुलबुले निकलने लगेंगे और आप पाएंगे कि वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा, लेकिन टेम्परेचर ऊपर नहीं जाएगा। किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर पर अगर आप देखें, अगर प्रेशर बाहर का चेंज नहीं करेंगे तो अब टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता। तो ये जो टेम्परेचर है ये कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। और सच तो ये है कि बॉइलिंग पॉइंट अगला टेम्परेचर नहीं है, प्रेशर और टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। मतलब एक शब्द होता है, उसको भी हम देखेंगे, एक शब्द होता है जिसको हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वो कैसे आता है, पहले इसको देख लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट, एक बर्तन है, आप देखिए आग पर रखा हुआ है, उबल रहा है, बुलबुले 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 दिख रहे हैं। एट बॉइलिंग पॉइंट हमने एक बड़ी दिलचस्प इक्वेशन लिखी है, वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। अब ये वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, ये क्या चीज है? अक्सर लोग इसको डेफिनेशन बनाकर प्रेजेंट कर देते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। हाँ, इसको आप डिराइव कर सकते हैं, ये डेफिनेशन नहीं है। जैसे मान लीजिए उबलता हुआ लिक्विड है, मान लीजिए ये एक बुलबुला है। अगर एक बबल आपके पास ऐसे है और आप देखेंगे, जाहिर सी बात है इसमें अंदर से भी कुछ बाहर प्रेशर लग रहा होगा। क्यों? बुलबुले के अंदर वाटर वेपर है और बुलबुले के बाहर लिक्विड है। बाहर से क्या है, बाहर जो प्रेशर लगा रहा है वो तो एटमॉस्फियर है। आप कह सकते हैं यू हैव पी एटमॉस्फियर, जो बाहर से उसको अंदर पिचकाने की कोशिश कर रहा है, जो उसको फैलाने की कोशिश कर रहा है वो है पी इंटरनल। एंड प्लीज नोट, पी इंटरनल वेपर का है, उस वेपर का जो लिक्विड से ही अभी अभी प्रकट हुई है उसके साथ इक्विलिब्रियम में है। तो पी इंटरनल इज इक्वल टू वेपर प्रेशर विच इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल। एटमॉस्फेयर मतलब एक्सटर्नल प्रेशर की बात थी यहां पे। तो वेपर प्रेशर जब एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा तभी ये बुलबुला जिंदा रह पाएगा। अगर ये बुलबुला जिंदा रह पाएगा तभी उबल पाएगा। इसलिए हम कह देते हैं कि एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। वो तो ठीक है, एक बहुत मजेदार चीज और दिखाते हैं आपको। क्या क्या होगा अगर आप लिक्विड को हीट करते जाएं और बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर भी क्रॉस हो जाए? क्या ये संभव है? हाँ, जैसे सुपर सैचुरेशन होता था ऐसे ही ये भी सुपर हीटिंग भी हो सकती है। अगर आपके पास स्मूथ वेसल है, क्लियर लिक्विड है, आप उसे हीट करते जाएं, ऐसा भी संभव है। सावधानी से अगर बगैर डिस्टर्ब करें आप हीट करें तो ये हो सकता है कि टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर चला जाए, प्रेशर नहीं बढ़ाया है आपने और आपको एक मेटा स्टेबल लिक्विड प्राप्त हो। अच्छा, और ये मेटा स्टेबल लिक्विड क्या करता है? ये मेटा स्टेबल लिक्विड और कुछ नहीं, आपका सुपर हीटेड लिक्विड है। अच्छा, तो इस सुपर हीटेड लिक्विड का क्या रोल है? यू विल फाइंड ये सुपर हीटेड लिक्विड, एक मिनट जस्ट देखिए आप, जैसे ही आप उसमें कुछ डिस्टर्ब करेंगे, एक कॉइन डाल दीजिए, सॉल्ट डाल दीजिए और रूम, आप देखिए वो फिर से उबलने लगता है। क्यों? जैसे ही आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया आपने पाया कि एकदम से वो बॉइल कर जाएगा। ये सुपर हीटिंग का फिनोमिना होता है। जैसे आपको पिछली बार हमने बताया था सुपर सैचुरेशन का, वैसे ही सरफेस टेंशन फोर्सेस के कारण आता है। और ज्यादा डिटेल्स फिर कभी होंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल ये फिनोमेना प्रकृति में होता है, आपको पता होना चाहिए। माइक्रोवेव ओवंस में भी आप इसको विटनेस कर सकते हैं। अगर आप पानी को सावधानी से हीट करें, सावधानी से निकालें और फिर उस पर डाल के देखें, इट इज पॉसिबल टू डू सुपर हीटिंग इवन इन माइक्रोवेव ओवंस। आप ट्राई करिएगा आज। और फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हैव अ ग्रेट डे, गुड लक।